नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बोरियो थाना क्षेत्र तिलोखिकरी टोला के निकट थाना प्रभारी को दिवागस्ती के क्रम में एक वाहन पर 3 संदिग्ध व्यक्ति लोहे के तार के साथ लदे हुए दिखाई पड़े। पुलिस की गाड़ी को देखते ही वे भागने लगे, जिसकी त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने भागते हुए लोगों को पकड़ने के लिए त्वरितता दिखाई, जिसमें से 2 चोर भागने में सफल रहे, लेकिन एक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसका नाम वजीर अंसारी, ग्राम फूलभंगा, थाना बरहेट, जिला साहिबगंज बताया जा रहा है। तीनों लोगों को मिलकर तेलो रेलवे ट्रैक लगे पटरी के नीचे स्लैब पर लोहे के तार काटकर चोरी करके बरहेट के कबाड़ी दुकान में बेचते हैं। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। सर बताया जाए, सर ये जो अभियुक्त है किस कांड में, इसको जेल भेजा जा रहा है? कल दिनांक 11/4/22 को समय करीब 3 बजे थाना प्रभारी बोरियो जगन्नाथ पाल दल बल के साथ गश्ती में थे। गश्ती के क्रम में ही तेलो खिखरी टोला के पास अचानक पुलिस जीप को देखकर 3 लोग भागने लगे, जिनको शक के आधार पर दौड़ाकर पकड़ा गया, जिसमें से 2 लोग भागने में सफल रहे और एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसे कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना नाम वजीर अंसारी, पिता स्वर्गीय शफीक अंसारी फूलभंगा बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग रेलवे ट्रैक के किनारे लगे तार को काटते हैं, जिसमें हम लोग 2-3 लोग शामिल हैं, सभी बरहेट के ही रहने वाले हैं और काफ़ी दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी पकड़े गए नहीं गए हैं। इनके पास से लोहे का तार करीब 1 क्विंटल, 5 बंडल लोहे का, करीब 3 फीट का एक रॉड, लकड़ी का बेट लगा हुआ, 2 हैम्बर, लकड़ी का एक लोहे का एक दबिया और एक नीला रंग का महिंद्रा कमांडर जीप पुराना मिला, जिस पर ये काटे हुए तार को लोड करके ले जा रहे थे। बाकी जो 2 लोग भाग गए उनके विरुद्ध छापामारी की जा रही है, जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बताया जाए सर कि ये जो धंधे में लिप्त थे, ये सामान कहाँ बेचते थे? इनके द्वारा बताया गया है तो कि ये बरहेट में किसी कबाड़ी वाले के यहाँ बेचता है, जिसका पता लगाया जा रहा है। तो खाली ये जो सामान जो बरामद किया गया है, यही खाली धंधा था कि जो बोगी जो रेलवे ट्रैक पर जो गिरा हुआ है उसको भी ले जाया जा रहा है? नहीं, अभी तो ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ हम तार काट कर बेचते हैं। साहिबगंज झारखंड से सहिंद प्रसाद की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।